मंत्री आदरणीय सांसद जी, आदरणीय मंत्री जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी, दूसरी पार्टी के विधायक सब इकट्ठा हुए 1960 साल में पहली बार, 60 साल में पहली बार। और मैं गन्ना मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपके कर कानून द्वारा इस चीनी मिल का उद्धार हो जाए, ये सब किसान बिरादरी आपका धन्यवाद करेगी, आपका आभार व्यक्त करेंगे। और इसके साथ मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी किसानों को संबोधित करें। लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सुखपाल सिंह जी, मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय एपी मलिक जी, अनेक बार जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक आदरणीय योगेश धामा जी, पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी साहब सिंह जी, दीक्षित जी, बड़े भाई आदरणीय चौधरी जगत सिंह जी, जिलाधिकारी यादव जी, जीएम बागपत शुगर फैक्ट्री मिश्रा जी और उनकी समस्त अधिकारी और कर्मचारियों की टीम, चेयरमैन साहब, सभी उपस्थित सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज मेरा परम सौभाग्य है जिस तरह से सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग समय निकाल के वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, बनारस में काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं, गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, उसी तरह से मैं जब कभी बागपत में आता हूं तो इसे किसानों का मंदिर मान के ही आता हूं। और मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने मन में ये विचार करके चलता हूं कि मैं यहां क्या सेवा कर सकता हूं, क्योंकि ये किसी से छुपी छानी बात नहीं है। यदि आज हमें लखनऊ का रास्ता किसी ने दिखाया है और राजनीति में यदि उंगली पकड़ के किसी ने चलना सिखाया तो वो केवल इसी धरती की देन है जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है। यहां राजनीति करने के लिए कभी भी न मेरी कोई तमन्ना होती है, न कोई इच्छा होती है। मैं यहां जिस भाव से आता हूं, केवल वो मेरा भाव। आज पत्रकार बंधु मुझे दिल्ली में पूछ रहे थे, मीडिया के आदरणीय सांसद जी के सामने उन्होंने कहा कि आपने बागपत को ही क्यों चुना है, मिल तो आपकी बहुत है। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये ठीक उसी तरह की बात है कि जैसे कोई आदमी ये पूछ ले कि भाई तुम रामेश्वर ही दर्शन करने क्यों जा रहे हो, तुम काशी विश्वनाथ ही दर्शन करने क्यों जा रहे हो, वृंदावन ही दर्शन करने क्यों जा रहे हो। ये आपकी, ये उस व्यक्ति की आस्था है कि वो कहाँ दर्शन करने जाता है। तो ये मेरी आस्था है कि यदि मैं कहीं सत्र प्रारंभ करने जाऊं, प्राय सत्र प्रारंभ करने, तो मुझे ऐसा लगता है कि बागपत में जाने से मैंने अपने कुछ कर्म और धर्म का निर्वाह किया है, इसलिए रंग में बात पर जा रहा हूं। ये मैं हृदय से आप लोगों के सामने कह रहा हूं। कोई व्यक्ति न जाने बात अलग है,
जिस तरह से कोई भी यदि संस्कृत का विद्वान बनने के लिए जाता है तो वो काशी पढ़ने के लिए जाता है, यदि कोई भारतवर्ष में गन्ने की खेती और किसानी करना चाहता है तो उसे बागपत में तो आना ही चाहिए, तभी उसका ये कर्म पूरा हो सकता है, तभी उसे ये ज्ञान भी पूरा हो सकता है। कभी कभी मैं भी जब रमाला के लिए मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा कि हम रमाला जा रहे हैं, क्षमता वृद्धि हो गई है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब सा हुआ कि जो संघर्ष में इतने आगे रहते हैं और यहाँ पूर्व में भी संदेह चौधरी साहब का तो एक सिद्धांत दूसरा था, उनसे जब कोई कहता था, हम कभी कभी कहते थे कि मथुरा के लिए होना चाहिए चौधरी साहब, सबसे मजबूत गढ़ है आपका, तो ये कहा करते थे मेरे लिए पूरा देश इच्छा है, मथुरा कोई अलग नहीं है, तो उनकी बात तो अलग है, वो इतने स्तर के थे। लेकिन मुझे ये लगा जब उन्होंने ये कहा मुख्यमंत्री जी ने कि हम रमाला जा रहे हैं, क्षमता वृद्धि हो गई है, तो मुझे ये लगा कि सैकड़ों वर्ष कुछ मील को हो गए होंगे, आज तक इतनी छोटी मील से ना इतना करना होता है, इनका काम कैसे चल रहा है। सांसद जी ने, विधायक जी ने, मंत्री जी ने सबने प्रयास किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। 7 वर्ष तो हो गए हमारे विधायक जी को लगे, 10 वर्ष हो गए हमारे सांसद महोदय जी को लगे, 27 वर्ष हो गए तो भी सांसद जी को लगे, और लोग गोकम साहब ने भी करा। हमें आपसे ये उम्मीद है, आपसे जब आप मंत्री बने बनना मंत्री, हमें बिल्कुल बागपत जनपद को ये उम्मीद होगी 21 वर्ष में बिल्कुल। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था, यदि इन लोगों को इतने दिन हो गए हैं तो मैं भी ये भी गारंटी से कह सकता हूँ कि जो विकास 8 साल में बागपत में हुआ है वो पहले कभी 100 वर्ष में भी नहीं हुआ, ये भी सब जानते हैं, कोई किसी से छुपी छानी नहीं है। आपका गन्ना कहा जाता है? जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो ना, वो जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो ये उन्हीं लोगों का पाप है जिसे हम भुगत रहे हैं, ये मेरा पाप नहीं है। आप अकेले भी बात करना चाहते हैं तो मैं अकेला भी बात करने को तैयार हूँ, ये मैं अकेला भी बात करने के लिए तैयार हूँ, ये भाषा मैं अरे बैठिए कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए तो मैं अनुरोध कर रहा था आपसे, मैं अनुरोध कर रहा था आपसे कि मैं इस क्षेत्र में हमें इस क्षेत्र में ये मान के चलते हैं और इस क्षेत्र में यदि ये बात नहीं हो पाई इतनी देर से रवाना होने का, यदि विस्तारीकरण हुआ कुछ नहीं तो गए सब। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे, हमने प्रयास किया है, हमने ये प्रयास किया है, ये किसी से छुपा छा रहे, किसी से छुपी बात नहीं है कि 2007 से लेकर 2012 तक 19 चीनी मिल उत्तर प्रदेश की बेची गई, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि 2012 से लेकर 2017 तक 11 मिल और बंद कर दी गई, ये किसी से छुपी बात नहीं है कि जो किसानों को 14 दिन के बाद भुगतान होने पर ब्याज मिलता था उस ब्याज को हमसे पहले सरकार ने माफ किया और उस धान के ब्याज को जिसका आज भी और यदि मैं तो चाहता हूं और ये मैं आपसे वादा करके
यहाँ पर हो गया है एक वो मिल मालिक भारत वर्ष की सदस्यता छोड़ के दूसरे देशों की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। ये भी आप लोगों के सामने फिर भी उनसे एक एक पाई बता रहा है। हमारे सामने ये समस्या है। मैं कहता हूँ यदि आप बताओ मुझे एक भी हम करते क्या हम लोग मिल भी चलाते हैं गन्ने का भुगतान भी कराना दोनों ही काम करा रहे हैं। गाड़ी भी तभी चलेगी जब दोनों मिल जाएंगे एक बजे से गाड़ी नहीं चलेगी। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं धैर्य रखने की आवश्यकता है। मेरी पूरी कोशिश होगी एक जिस दिन आप सत्यपाल सांसद जी का वोट डालने जाओगे उस दिन तक इस मिल की क्षमता हम बढ़ाएंगे। नहीं